तो एक एक सिद्धांत पर हम चर्चा कर रहे हैं। भूमिका को पढ़ते हुए हम दो तीन पैराग्राफ हम इसके पढ़ चुके हैं, तो आप इसको ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिएगा। हम छोटा सा ही जो चर्चा है उसको छोटी सी रखते हैं, ताकि एक ही सिद्धांत हम दिन भर मनन कर सकें। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम्हें यह परम रहस्य इसलिए प्रदान कर रहा हूं क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। इसका तात्पर्य यह है कि भगवद गीता ऐसा ग्रंथ है जो विशेष रूप से भगवत भक्त के लिए ही है, भगवत भक्त के निमित्त है। आध्यात्मवादियों की तीन श्रेणियां हैं, ज्ञानी, योगी तथा भक्त, निर्विशेषवादी, ध्यानी या भक्त। यहाँ परम भगवान अर्जुन से स्पष्ट कहते हैं कि वे उसे इस नवीन परंपरा का प्रथम पात्र बना रहे हैं, क्योंकि प्राचीन परंपरा खंडित हो गई थी। अतएव यह भगवान की इच्छा थी कि सूर्यदेव से चली आ रही विचारधारा की दिशा में ही अन्य परंपरा स्थापित की जाए, और उनकी यह इच्छा थी कि उनकी शिक्षा का वितरण अर्जुन द्वारा नए सिरे से हो। वे चाहते थे कि अर्जुन भगवद गीता ज्ञान का प्रामाणिक विद्वान बने। अतएव हम देखते हैं कि भगवद गीता का उपदेश अर्जुन को विशेष रूप से दिया गया, क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त, प्रत्यक्ष शिष्य तथा घनिष्ठ मित्र था। अतएव जिस व्यक्ति को अर्जुन जैसे गुण पाए जाए जाते हैं, वह गीता को सबसे अच्छी तरह समझ सकता। से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होना चाहिए, क्योंकि कोई भगवान ही कोई त्यों ही उसका सीधा संबंध तो भगवद गीता को केवल वो ही व्यक्ति समझ सकता है जो भक्त हो। भगवान का जो भक्त होता है वो, उसको भगवान से जलन नहीं होती। वो ये सोचता है कि शायद भगवान ठीक ही, जैसे कि कुछ लोग ये कहते हैं कि प्रभु जी एक बात बताइए, आपके जो ब्रह्मा जी हैं चार मुंह वाले एक व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति हैं वो सांप लेके घूमते हैं, पता नहीं ये सब सही है कि नहीं, ये तो पूरा माइथोलॉजी है। लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा कि हमको प्रश्न कैसे पूछने चाहिए। प्रश्न ऐसे पूछना चाहिए कि ये सब सत्य तो है, लेकिन मुझे समझ में कैसे आए ये मुझे बताइए। जो आप बता रहे हैं वो सही है,
लेकिन मैं इसको कैसे अच्छी तरह से समझूं ये आप मुझे बताइए। तो भगवान का जो भक्त होगा उसको भगवान से प्रेम होगा, भगवान को जब कुछ सुख मिलता होगा, कुछ आनंद मिलता होगा, तो उसको भी आनंद मिलेगा। जब भगवान का अभिषेक हो रहा है, भगवान के भक्त प्रसाद पा रहे हैं, भगवान का कीर्तन हो रहा है, तो भक्त को बहुत आनंद होता है। यही भक्त की परिभाषा है, यही गुरु भक्ति की परिभाषा है, यही भक्त की परिभाषा है। जब गुरु प्रसन्न होते हैं तो वो बहुत प्रसन्न होता है। मेरे गुरु जी को प्रसन्नता हुई। तो भक्त और मित्र होना ये बहुत भगवत गीता को समझने के लिए बहुत आवश्यक है। कोई कोई लोग कहते हैं मैंने बाइबल भी पढ़ी है, मैंने तो कुरान भी पढ़ी है, मैंने सब पढ़ा है, लेकिन वो पढ़ के अगर वो भगवान के भक्त नहीं बने भगवत गीता पढ़ने के बाद, तो फिर सब बेकार है। भक्त का मतलब क्या है? भक्त का मतलब है जो भगवान की पूजा अर्चना करता हो, जो भगवान को नमस्कार करता हो, मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु, ये सारे कार्य वो करे, भगवान की शरण ले, सभी कार्यों में भगवान को पार्टनर बना करके अपनी लाइफ में जीना, जो भी कार्य कर रहे हैं प्रार्थना हो करके, प्रार्थना पूर्ण होकर के, हे भगवान मैं इसको प्रारंभ कर रहा हूं या ये कार्य कर रहा हूं, आप कृपया करके मुझे मदद करना, अगर मैं गलत हूं तो मुझसे ये ना हो, लेकिन अगर मैं सही हूं तो फिर ये मेरे से हो जाए, क्योंकि मैं इसका पूरा प्रयास करूंगा। तो इस तरह से भक्त जो होता है उसको भगवान सब कुछ करवाना चाहते हैं। एक कहानी मैं आपको सुनाता हूं। एक बार की बात, माधवेंद्रपुरी नाम के हमारे एक आचार्य गोवर्धन परिक्रमा कर रहे थे। गोवर्धन परिक्रमा बहुत सारे लोग बहुत समय से करते आए, लेकिन जब माधवेंद्रपुरी गोवर्धन की परिक्रमा करने आए तो भगवान एक समय जब वो विश्राम कर रहे थे तो आए, और सपने में आकर के उन्होंने कहा कि मैं, ये एक स्थान है, उस स्थान पर मैं विद्यमान हूँ, गोपाल विग्रह, और वहां पर एक गाय आकर के रोज दूध अपने थन से गिरा करके जाती है, तो आप मुझे यहां से निकाल लो। माधवेंद्रपुरी को यह सपना आया। अब देखिए, भगवान ने अपने भक्त को ही सेवा देना चाहते। कई लोग ये कहते हैं तुम्हारे तो भगवान स्त्रियों के वस्त्र चुराते हैं, देखो मक्खन चुराते हैं, तो भगवान अपने भक्त का ही चुराते हैं? कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई पाकिस्तान का कोई आतंकवादी है, या फिर कोई और व्यक्ति है, या पैसे वाले लोग हैं, या किसी मिठाई की दुकान भी तो होगी, क्या गोल वृंदावन में मिठाई की दुकान नहीं होगी? बहुत सारी होगी, लेकिन भगवान मिठाई की दुकान से नहीं चुराए, या मार्केट भी लगता था लेकिन भगवान वहां से नहीं चुराते थे, अपने भक्तों के घर से जब चुराते हैं भगवान तो बहुत अच्छा लगता है। एक बार तो भगवान को नंद बाबा और यशोदा मैया ने कहा कि एक बात बताओ, हमारी तो खुद की 9 लाख गाय हैं, जब हमारी खुद की 9 लाख गाय हैं, इतना सारा दूध मक्खन होता है, तो भी तुम चुरा के क्यों खाते हो? तो भगवान कहते हैं मैं अपनी मेहनत का खाता, किसी के दान का नहीं खाता मैं अपनी मेहनत का खाता हूं। तो भगवान उन्हीं भक्तों का चुरा रहे हैं जो भक्त है। तो माधवेंद्रपुरी के सपने में भगवान फिर आते हैं, और फिर उनसे उनको वो जाते हैं, उनको निकाल लेते हैं गांव वालों की सहायता के साथ। फिर से भगवान उनके सपने में आते हैं, कहते हैं कि मैं बहुत समय से इस धरती में नीचे दबा हुआ हूं, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मेरे लिए आप चंदन लेके आओ। माधवेंद्रपुरी इस उम्र में, एकदम ढलती हुई उम्र है, उस उम्र में चले जाते हैं चंदन लाने के लिए जगन्नाथपुरी। मैं आप ध्यान आपका केंद्रित कराना चाह रहा हूं
वो ये है कि भगवान अपने भक्त से सेवा लेना चाहते हैं। तो कौन है वो भक्त जो हर निर्णय में कृष्ण को चुनता है, जो कभी गलत नहीं करता, पाप उसके मन में नहीं आता? हर क्षण, हाँ ये बात सही है, जब कोई अकेले में रहता है तो पाप करने का मन करता है, मन करता है कि हाँ मैं गलत कर लूँ, ये देखो ये प्रॉपर्टी है, ये इसकी है, ये उसकी है, मैं इसको ले लेता हूं। एक समय की बात, एक बहुत ही, मैं ये पहले भी सुना चुका हूं, एक व्यक्ति बहुत सीधे साधे, इतने सीधे साधे उनको कुछ पता नहीं दुनिया का, उनकी बेटी की शादी पड़ी, पैसे की जरूरत पड़ी, किसी साहूकार से पैसे ले लिए, पैसा लेते समय साहूकार से ले लिए, जब शादी हो गई बेटों ने फिर से पैसा दिया। ये जो सीधे साधे व्यक्ति थे, इन्होंने जा करके ये पैसा जो है उनको वापस करने जब गए तो उन्होंने एक रसीद दी कि आपका पैसा वापस हो गया। तो उन्होंने देखा कि ये तो सीधा साधा व्यक्ति है, कुछ इसको मालूम नहीं है, इसके साथ चीटिंग कर लेते। ध्यान से सुनिएगा किस प्रकार से कपट की कहानी है। दुनिया वाले तो कपट करना करते ही हैं, लेकिन एक भक्त जो होता है वो भगवान के आश्रय से किस प्रकार बच जाता है। तो रसीद जो दी, एक रसीद बनाई थी पर उसको अपने पास रख लिया, इनको एक कोरा कागज दे दिया। कुछ दिन बाद उस साहूकार ने इस सीधे साधे व्यक्ति पर केस कर दिया। अब ये बेचारे भगवान राम के भक्त, इनको तो कुछ पता नहीं। जज ने पूछा कि क्या तुम्हें, तुमने इनको जब पैसा दिया तो कोई और तुम्हारे आसपास था जब तुमने इनको वापस किया पैसा? तो उन्होंने कहा, मैं सच कह रहा हूं जज साहब, जब मैंने ये पैसा इनको वापस किया उस समय मेरे और इनके सिवा वहां पर रघुनाथ जी के अलावा और कोई नहीं था। मतलब भगवान तो रहते ही है, तो उन्होंने रघुनाथ जी का नाम लिया। तो जज ने सोचा कि कोई रघुनाथ जी व्यक्ति हो, उन्होंने एक समन जारी कर दिया कि रघुनाथ जी हाजिर हो, और कहाँ के रहने वाले हैं तो पूछा इनसे, तो बोले कि वो रघुनाथ जी तो वही मंदिर में रहते हैं, वही राम जी की विग्रह को उन्होंने बोल दिया। लेकिन देखो ये सीधे साधे व्यक्ति, इनको कपट नहीं आता। हम भी कितना छिप, कितना प्रयास करेंगे, कपट से हम बच नहीं पाएंगे। लोग हमेशा कपट करना चाहते, लेकिन भगवान की आश्रय लेकर के राम जी आपको जैसा अच्छा लगे वैसा कीजिए। और देख रहे हैं भगवान को समन जारी हो गया और लेटर पहुंचा पुजारी के पास कि रघुनाथ जी को जज ने बुलाया। भगवान, पुजारी जी ने कहा कि भगवान आप जाइएगा जरूर, क्योंकि आपको, आपके लिए बहुत कुछ आता है, सामान आता है, कपड़े आते हैं, खाने पीने का, फल फ्रूट ये सब आता है। पहली बार कोर्ट से लेटर आया है, क्योंकि पहली बार कोर्ट से लेटर आया है इसलिए आइएगा जरूर, जाइएगा जरूर। अगले दिन सुनवाई हुई, जज ने बोला हाजिरी के लिए बुलाया जाए, रघुनाथ जी हाजिर हों, रघुनाथ जी हाजिर हों। और एक बूढ़ा सा व्यक्ति वहां पर आया और उनसे बोला गया कि कौन हो आप? तो बोले मैं रघुनाथ जी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो फिर इन्होंने कहा कि हाँ मैंने देखा है ये व्यक्ति जो हैं, इन्होंने एक रसीद बनाई थी, उसको इनको यहीं रोक लीजिए, अलमारी में जाके चेक कीजिए, इन्होंने रसीद बनाई है। तो चेक किया गया और वास्तव में वो रसीद मिल गई। अब थोड़ा जज साहब को शक हो गया कि यार ये रसीद कौन, ये जो समझ में नहीं आई ये व्यक्ति। तो फिर उस व्यक्ति से पूछा जो पागल थे,
जिनको पता ही नहीं था क्या है दुनिया में, बस रघुनाथ जी के अलावा उनको कुछ नहीं मालूम। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, ये रघुनाथ जी, जज ने पूछा कि रघुनाथ जी कौन है, ये रघुनाथ जी तुम बताओ जरा कौन है रघुनाथ जी। तो उन्होंने कहा कि रघुनाथ जी, अरे वही जिनकी हम लोग पूजा करते हैं, वही तो रघुनाथ जी। जज साहब को समझ में आ गया कि ये भगवान की भक्ति जो करने वाला ये सीधा साधा व्यक्ति है, इसकी गवाही देने के लिए भगवान राम स्वयं आए। उस दिन से वो जो जज साहब हैं अपनी नौकरी छोड़ दिए और सब कुछ छोड़ करके वृंदावन में, अभी 30 साल पहले की बात है, वो बाबा जी एक थे, उनको सब लोग जज साहब कहते थे, वो कभी बैठते नहीं थे। किसी ने पूछा कि बाबा आप बैठते क्यों नहीं हो कहीं पर, या तो लेटते थे या तो खड़े रहते थे, बैठते नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि जब एक बार राम जी आए थे गवाही देने के लिए, एक सीधे साधे भक्त, तो रघुनाथ जी खड़े थे और मैं बैठा था, इसीलिए आज के बाद उसी समय मैंने निर्णय लिया कि अब जीवन में कभी भी बैठूंगा नहीं। तो एक भक्त को भगवान कितना प्रेम करते हैं, देखो भक्त के लिए सब कुछ करना चाहते हैं भगवान, जिसने हर क्षण, वो भक्त जो हर क्षण कृष्ण को चुनता है। हाँ ये बात सही है, हम गलत कर सकते हैं, ये सही मौका है, हम गलत कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इस व्यक्ति ने, सब्जी वाले ने देखो मुझे 10 रुपए ज्यादा दे दिए, हाँ, पॉकेट में रख लो, पॉकेट में रख लो, लेकिन नहीं, भक्त जो होता है वो गलत नहीं करता है, वो कहता है नहीं, मैं चीटिंग नहीं करूंगा। और हमारे रघुनाथ जी देख रहे हैं, सारा दुनिया तो ऑडियंस है, कौन देख रहा है, कृष्ण देख रहे हैं। ठीक है, तो आज हमने ये चर्चा किया कि भगवान अपने भक्त से सेवा लेना चाहते हैं, भगवान अपने भक्त के ऊपर कृपा करना चाहते हैं, भगवान अपने भक्त से को भगवत गीता सुनाना चाहते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति समझना चाहता है भगवत गीता, तो उसको भगवान का भक्त होना चाहिए। भगवत गीता समझने के लिए एक व्यक्ति को भगवान का भक्त होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति भगवत गीता पढ़ने के बावजूद भी ना माला कर रहा है, ना भगवान का नाम ले रहा है, ना भगवान के मंदिर जाता है, ना भक्ति करता है, तो वो व्यक्ति ने भगवत गीता नहीं पढ़ी। भगवान की भक्ति जो होती, भक्त का मतलब क्या है, उसको भगवान की खुशी से बहुत खुशी होती। कई लोग इतना जलते हैं मंदिरों से, कहते हैं अरे देखो प्रभु जी, मंदिर में इतना फूल चढ़ाया गया, हमें एक भी फूल नहीं है हमारे पास। या फिर भगवान की 16,108 रानियां हैं, हमारी 10-15 तो हो। तो हमारे एक भक्त ने कहा कि अगर भगवान की 16,108 रानियां, तो भगवान ने काने उंगली पे गोवर्धन भी तो उठाया, काने उंगली के नाखून पे आप उठा लो अगर छोटा सा पत्थर, तो आप भी एक शादी कर लोगे। कोई कान उंगली पे उठा नहीं सकता एक छोटा सा पत्थर। तो भगवान से जलन जिनको हो रही है, वो भगवान भगवत गीता को नहीं समझ सकते, जो ये कहते हैं कि भगवान निराकार है। आप सोचो, जो भगवान इतना एडवर्टाइजमेंट करने के लिए आते हैं, वही भगवान को सब लोग कह रहे कि निराकार है, तो भगवान को कितना बुरा लगता होगा। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर क्लोज करते हैं, और अभी हम अगली जो कक्षा है, जो उसको शुरू कर रहे हैं, वो है वैष्णव भजनों की जो कक्षा है। तो ये थोड़ा सा भगवद गीता का एक सिद्धांत हमने अभी चर्चा किया। हम ये सिद्धांत क्या था आज, भगवान अपने भक्त के साथ रेसिप्रोकेट करना चाहते हैं, भक्त से ही सारी लीला करते हैं, और भगवत गीता भी वो भक्त को ही समझ में आएगी, जो भक्त भक्तों सी में सखा चेती रहस्यम ही तद उत्तम। जो भगवान का भक्त नहीं है, या किसी भक्त से अगर हम नहीं सुन रहे हैं भगवत गीता, तो हमको समझ में नहीं आएगी भगवत गीता। हमको भगवत गीता बस ऐसे ही
लाइब्रेरी से पढ़ के समझ में जल्दी नहीं आएगी, जो भगवान का भक्त है वो ही उससे सुनने पर हमको वास्तविक समझ आ पाएगी। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर क्लोज करते हैं, हम वैष्णव भजनों की चर्चा को शुरू करते हैं। अच्छा, आप किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है इस चीज से, इस सिद्धांत से? कि भगवान अपने भक्त के साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। ठीक है, तो अभी कोई प्रश्न नहीं, तो हम अगली चर्चा शुरू कर रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम।